ये मेरे पीछे पार्किंग है, पूरी दिखाता हूँ। अपनी गाड़ी पहले पार्किंग में लगा के निकले और हम यहाँ कुर्ता उर्ता पहन के तैयार होके निकल गए हैं और अब मंदिर में जाएंगे सब। पार्किंग से कुछ 40-50 कदम चलते ही ये रोड आएगी। ये रोड आगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाती है। रिक्शे भी खड़े मिलेंगे, पर पैदल चलने का अलग ही मज़ा है। और हम भी बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। भारे का सहारा शाम हमारा, चलिए चलते रहिए। आगे रोड पे खाने की दुकानें, ठेले और सामान बेचने वाले आपको मिलते रहेंगे। हम भी मिले एक से। बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, क्या बेच रहे हैं? मोटी और मांस बेच रहा हूँ। अच्छा, कितने का है ये? 20 का है, ये 30 का है, ये 50। किसका मत है ये? 20। ये घर में रखते हैं, एक चढ़ाते हैं बाबा के और अच्छा। एक घर ले जाते हैं। पर मुझे तो अपने बालों में ड्रायर लगवाना था, इसलिए मैं ढूंढ रहा था एक सैलून, और लास्ट में मुझे मिला श्री श्याम जेंट्स सैलून। भैया ड्रायर है? हैं, कर दो यार। तो भैया मेरे को फाइनली ड्रायर मिल गया है यार, 2 मिनट देने पड़ेंगे दोस्तों। ड्रायर मिल गया तो शक्ल इतनी गंदी हो रही थी कि ड्रायर की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो फाइनली मिल गया ड्रायर। अनादि भाई आपको कुछ सर्विस करवानी है? भाई जी आप कौन सी सर्विस करवाएंगे भैया? आपने ये फेशियल करा रहे भैया? फेशियल यहीं के रहने वाले हो ये? भैया कलर कौन सा लेकिन फेशियल का? अच्छा, ब्लीचिंग है। तो भैया ने भी मेरे हेयर का पफ बनाना स्टार्ट किया, पर 2 चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप बाहर जाएं, जितने देसी रहें उतना अच्छा रहेगा, और मजाक करें तो भी लिमिट में करें, क्योंकि मेरा भैया ने हेयर पफ तो बनाया पर उसके पैसे नहीं लिए। पर मेरा हेयर पफ बनाया या नहीं बनाया वो भी एक बार देख लो यार। ये वाला कंघा मैंने कहीं नहीं देखा भैया, कौन सा कंघा है? ये है भाई, यही कही है, राजस्थान का कंघा। ये भाई सब पफ बना दिया भैया ने। अब मैं चलता हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं। ऐसा पफ मैंने पहली बार देखा है, चलो कोई। और फिर हम आगे बढ़े और शाम वक्त दूसरी तरफ हाथों में झंडा लिए मंदिर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। और साइड में दोनों तरफ दुकानों पे सामान लगा हुआ था, श्याम बाबा का नीला घोड़ा भी काफ़ी ज़्यादा दुकानों पे मिल रहा था। हम भी दुके एक दुकान पर और बात की। ये देख रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, ये मतलब क्या है ये घोड़ा है सर? ये किस लिए है यहाँ पर? श्याम बाबा की सवारी है। अच्छा, श्याम बाबा की सवारी है और ये घोड़ा है, मतलब इसलिए मतलब सेल हो रहा है। काफी अच्छे घोड़ा है ना श्याम बाबा का? जल्दी का घोड़ा, सवारी रंग का घोड़ा श्याम बाबा का, और बहुत अच्छा यूनिक डिजाइन और कलर है। कितने का भी है? 450 का है। 450 का है जिस? और ये छोटे वाला कितने का? 300 में देते हैं। ये छोटे वाला कितने का? ये 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का। चलो आते हैं, देखता हूँ। अच्छा प्राइस बताया तो प्राइस तो ठीक है, प्राइस इज वेरी रीजनेबल एंड वेरी गुड। छोटे बच्चे भी यहाँ पर लगे पड़े। ये चंदन का टीका है, ये जरूर लगवाना है राधे, चंदन का टीका है। लगवाओ लगवाओ लगवाओ। नहीं लगवाना क्या? लगवाओ लगवाओ यार। ये फ्री वाला है राधे। अच्छा लग रहा है राधे यार। बाबा का सहारा वो? हाँ बाबा का सहारा। दिखाइए अब कैसे लग रहा है, दिखाओ। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये भैया ने हमें लगवाया टैटू। ओ, ये अपने भी लगाओ यार, अपने तो लगाओ। अपने तो लगा बेटे, अपने लगा पहले, पहले अपने लगा। कितने हो गए? 40 रुपए। और हम भी फिर राधे का टीका लगाकर मंदिर की तरफ आगे बढ़े। और मिठाइयों की दुकान में पेड़े की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, और पेड़े के साथ साथ आपको मावे का प्रसाद भी देखने को मिलेगा। और जो पेड़े का पेड़ा है 340 रुपये किलो है, वो लगभग हर दूसरी दुकान में सेम रेट है। और हर दूसरी तीसरी दुकान आपको मिठाई की ही मिलेगी। मंदिर तक पहुंचने तक आपको मिठाइयों की काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दुकानें और रंगीन और अच्छी दिखती हुई नज़र आती जाएंगी। तो भाई साहब मंदिर परिसर के बिल्कुल करीब हैं, उसी लेन में 500 मीटर तक हम आगे आ चुके हैं, और बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है। शनिवार का दिन है और पूरी मार्केट होने के कारण इसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हम पहुंच गए खाटू श्याम दरबार। ये खाटू श्याम का दरबार है, सामने मंदिर है,
वहाँ पर हम जाएंगे। देखिए हमें बताया गया था कि प्रसाद के रूप में आप मावा या फिर पेड़े का प्रसाद चढ़ा सकते हो या जिस भी चीज़ की आपकी श्रद्धा हो वो प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हो। तो हमने मावा लिया था, ये मावे का पैकेट 50 रुपये का और 30 रुपये का हमें चूरमा पड़ा था। पर मैं आपको बताऊं कि मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ता ही नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि श्रद्धा भाव के लिए आप पेड़े खरीदें। तो पेड़े आप घर भी ले सकते हैं और लोगों में बाँट भी सकते हैं। कोशिश करें कि प्रसाद मंदिर के बाहर वाली मिठाइयों की दुकान से ही खरीदें ताकि यहाँ आप जूते चप्पल उतार सकें और मंदिर तक आपको नंगे पैर ज़्यादा दूरी तक ना चलना पड़े। तो भाई साहब ये एंट्री है, देख लो यार, यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। आ जाओ सारे भाइयों, ये आ गए हैं। ये देख लो यार, इस तरीके से हमें घूम घूम के जाना पड़ेगा। लाइन नंबर वन, एक बार जयकारा लगा दो, आ जाओ पीछे सारे। हारे का सहारा, हमारा चलते रहिए, शाम हमारा। तो दोस्तों हम दिल्ली से चले थे सुबह 4 बजे और अब 10:30 पौने 11 बजे हमारा नंबर आ चुका है, लाइनों में लग चुके हैं और बहुत लंबी लंबी यहाँ पर इन्होंने वो बनाई हुई है लोहे की कतारें। तो हम उससे पहुँच रहे हैं और देख सकते हो आप लोग किस तरीके से। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर परिसर उस साइड है, मंदिर परिसर आप मेरे राइट में देख सकते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि इन्होंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि आप लोगों को देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं भेजा जा रहा बल्कि इस तरीके से घुमा घुमा के भेजा जा रहा है। देखो यार, तो आई थिंक इट इज़ अ वेल मैनेजमेंट, वेरी गुड मैनेज, आई लाइक इट। अभी देखिए लोग किस तरीके से चल रहे हैं, दिखाता हूँ। ये पीछे से रास्ता कर दिया, लोग कह रहे हैं पहले मेन गेट से थी, पीछे से हो गया, बट लोगों की बहुत आस्था है यहाँ पर। लोग बहुत बहुत मन से आते हैं, दिल से आते हैं, भावना से आते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए लोगों की इतनी अपार भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत दिल में। देखो लोग कैसे चल रहे हैं यार। हारे का सहारा बाबा साहब हमारा। तो मंदिर में डायरेक्ट पहुंचने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में दिखाया था कि हम कैसे रेलिंग में काफ़ी चलकर आए हैं। तो रेलिंग में चलने के बाद हम इस रास्ते पे आते हैं और इस रास्ते पे आकर जब हम उल्टैट पे मुड़ेंगे तो हम खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन कर सकेंगे। तो भीड़ के साथ साथ हम भी श्याम बाबा के दर्शन के बहुत करीब पहुँच चुके थे, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर लोग दर्शन के लिए क्यों आते हैं, क्यों इनकी इतनी मान्यता है, उसकी पीछे की कहानी भी सुन लेते हैं। श्याम बाबा को पहले बरबरिक के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 तीर प्राप्त किए थे, उन 3 तीरों से तीनों लोगों को जीता जा सकता था। और उस समय महाभारत का युद्ध भी चल रहा था, तो उन्होंने युद्ध में जाने की अपनी इच्छा अपनी माँ के आगे रखी। तो उनकी माँ को पता था कि ये जो युद्ध है ये कौरव और पांडवों के बीच में हो रहा है और कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत बड़े योद्धा हैं और पांडव उनके सामने हार जाएंगे। तो उन्होंने श्याम बाबा को बरबरिक को बोला कि जो भी युद्ध में हार रहा हो तुम्हें उसका साथ देना है। तो वो युद्ध में लड़ने जा ही रहे थे तो कृष्ण भगवान को जब ये पता चला तो उन्होंने देखा कि उस समय तो कौरव हार रहे हैं और अगर ये बरबरिक ने देख लिया और वो 3 तीर चला लिए तो पांडव कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो वो एक ब्राह्मण बन के उनको मिले और बरबरिक को बोला कि मैं तुम्हारा शीश दान में चाहता हूँ। तो बरबरिक ने बिना सोचे समझे अपना शीश उनको दान कर दिया, तब से उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। और भगवान शिव कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम यानी कि श्याम के नाम से भी जाने जाओगे क्योंकि तुम्हारा जैसा दानी पूरे विश्व में कहीं नहीं। तो हमने भी यहाँ पर दर्शन किए और दर्शन करके हम भी बाहर निकले और बाहर भी लोगों का तांता लगा हुआ था, बाहर से लोग दोबारा मंदिर में दर्शन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बढ़िया दर्शन हो गया भाई, 1 सेकंड मिला दर्शन के लिए, लेकिन उस 1 सेकंड में बाबा के दर्शन इतने बढ़िया हुए, उनकी छवि हमारे मन में ऐसी बस गई है, बाबा की छवि।
सिर्फ एक सेकंड मिलता है दर्शन के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, दिल को आनंद आ गया। इतनी दूर दिल्ली से आए, सुबह 4 बजे उठ के आनंद ही आनंद आ गया।